अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद इकबाल कोपेनहेगन डेनमार्क से हाजिर हूँ। तो आज हम अपनी बोट पे आए हुए थे टूर करने के लिए, तो साथ खाने के लिए हमने आज फ्रूट चाट बनानी थी। तो मैं कहता जब फ्रूट चाट बनानी है तो इसमें आप लोगों को भी शामिल करें, तो आपको भी बताएं कि फ्रूट चाट कैसे हम बनाते हैं, तो कौन सा घर का बना हुआ फ्रूट चाट मसाला यूज़ करते हैं। मौसम के लिहाज से ये फ्रूट है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो चलें आपको बताते हैं कि कितनी मकदार होनी चाहिए।
असल में फ्रूट चाट की जो जान है ना, वो फ्रूट चाट मसाला है। तो हम घर में ही तैयार करते हैं, तो हमारा वादा भी था कि आपको बताएंगे कि फ्रूट चाट मसाला कैसे तैयार होता है। तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक बड़ा चम्मच खाने वाला आपने गरम मसाला लेना है, बड़ा चम्मच आपने लाल मिर्च लेनी है, आधी चम्मच आपने टॉटरी लेनी है, तकरीबन डेढ़ चम्मच आमचूर लेना है, नमक हसबे जायका आपने डालना है, वैसे मैंने आधा खाने का चम्मच डाला हुआ है, तो इसी तरह काला नमक एक बड़ा खाने का चम्मच है। जब आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो ये घर का बना हुआ ज़बरदस्त किस्म का चाट मसाला होगा। तो ये बहुत सारी और भी डिशों में यूज होता है। मसाला हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया है, चाट मसाला। अब आपने जैसा कि जितना आपने चाट बनानी है उसी हिसाब से जो आप समझते हैं, अगर तेज़ रखना है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम रखना है मसाला उसी हिसाब से आप डाल लें। इसके ऊपर हम मसाला डाल लेंगे और जो आखिरी टच देना है आपने, जिसके साथ इसका जायका निकलना है, तो वो आपने माल्टा लेना है। अगर माल्टा नहीं है मौजूद या आपने ऑरेंज जूस ले लेना है, वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इसका ये भी है कि आप इसको सबको मिक्स कर लें, फिर इसको चेक करें। अगर आपको लगता है कि मसाला कम है, मसाला और डाल लें, मगर जूस जो है वो और जाएगा, तकरीबन एक माल्टा जाएगा, आधा मैंने किया था, आधा और चला जाएगा। चाट बहुत ही उमदा किस्म की तैयार हुई है, तो अब मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखें, नीचे जूस भी है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि घर का बना हुआ चाट मसाले के साथ क्या मज़ा आता है। इसके साथ एक्सीलेंट दोस्तों, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी ट्राई करें इसको घर में, और जो मैंने बताया फ्रूट चाट मसाला कैसे बनाना है आपने, वो भी बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।